भारतीय वायुसेना लगातार न केवल दिन में रात में भी अपना दमखम दिखाते हुए चुनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ ये इंडियन एयरफोर्स का IL-76 न केवल दिन में बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं। युद्ध तय भारत की जय, ये तो आप देख पा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच अगर पाकिस्तान डर जाए तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान डर करके ये चिट्ठी लिखने लगे कि भारत तो बहुत मार रहा है, भारत बहुत पीट रहा है, तो आप क्या कहेंगे? और हाँ, ये चिट्ठी कोई वायरल नहीं है, ये चिट्ठी असली है। इतनी असली कि आप पूरी तरह से भरोसा करें, क्योंकि हमारे पास इंडिया न्यूज इकलौता चैनल है जिसके पास एक ऐसी चिट्ठी है जिसमें पाकिस्तान की फौज ये कहते हुए चिट्ठी लिख रही है कि भारत की फौज बहुत ज्यादा पिटाई कर रही है, हमें बचा तो लो। LOC पर भारत की जवाबी कार्रवाई से घबरा गया है पाकिस्तान। इंडिया न्यूज के पास पाकिस्तानी आर्मी की चिट्ठी है। पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आतिफ गुलजार ने लिखी चिट्ठी। 6 अक्टूबर को रावलपिंडी हेडक्वार्टर भेजी गई थी चिट्ठी। चिट्ठी में पाकिस्तान को नुकसान की बातें हैं। भारत के एक्शन में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत नुकसान हुआ है। इस चिट्ठी को एक बार अनुभव पूरी स्क्रीन पर उतारिए, जरा पूरी स्क्रीन पर उतारिए, इसका मजमून देखें ना, बड़ा बड़ा आनंद आ रहा है मुझे। टू डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर एयरपोर्ट रोड रावलपिंडी, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये भीख मांगी जा रही है, कह रहे हमारी दवाई करवा दो भैया, हमारा इलाज करा दो, भारत की फौज बहुत मार रही है। ये पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट हैं, जनरल आतिफ गुलजार इनका नाम है, चिट्ठी लिखी है उन्होंने। और 6 अक्टूबर को रावलपिंडी हेडक्वार्टर ये चिट्ठी भेजी गई और ये कहा गया हमारा इलाज कराओ, हमें डॉक्टर दो, हमें अस्पताल दो, जो भारत की फौज है हमें गिन गिन करके मार रही है, हमें मौत के घाट उतारने पर बिल्कुल आमादा है, हम अगर घुसपैठ की कोशिश कराते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, पाकिस्तान की फौज है, हमारे अपने जो रेडिकल्स हैं, लेकिन हाँ जो इंडिया की फौज है हमें बहुत मार रही है, हमें बहुत पीट रही है, हमें तो बचा लीजिए। वजीर आजम इमरान खान साहब, देखें ये चिट्ठी, आपके लिए आईना है। और इस आईना को दिखाते हुए ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास है। चिट्ठी में पाकिस्तान को भारी नुकसान की बातें हैं, भारत की कार्रवाई में पाक आर्मी को भारी नुकसान हुआ। चिट्ठी में ये कहा गया है कि पाक आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल आतिफ गुलजार ने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है बहुत मार रही है, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत नुकसान पहुंचा रही है, हमें मेडिकल एड दीजिए, हमें मेडिकल सुविधाएं दें आप, क्योंकि हम वॉरफुट पर खड़े हैं, हम फ्रंट फुट पर हैं। और टट्टा पानी, कियानी, लीप्स और ये जो तमाम इलाके हैं जो LOC से लगे हुए इलाके हैं, वहां के लिए स्पेशली ये चिट्ठी लिखी गई है। क्या अजय जांडियाल है मेरे साथ? अजय जांडियाल के पास पे चलते हैं। अजय जांडियाल, इस चिट्ठी में पाकिस्तान का डर साफ नजर आ रहा है। ये चिट्ठी सामने आने के बाद क्या ये माना जाए कि इमरान खान शी जिनपिंग से भीख मांग रहे होंगे कि देखिए हमारे पास तो खाने के लाले पड़े हैं, पाकिस्तान की फौज जो है हमें और भी ज्यादा पाकिस्तान की फौज और भी ज्यादा मार खा रही है, हिंदुस्तान की फौज हमारे पीछे पड़ी हुई है, हम LOC पर टिक नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए कुछ कर दीजिए। ये चिट्ठी क्या कहती है? राशिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सेना की कमांड या एक कोई भी कंपनी जो है किसी भी तरह के मेडिकल एड के लिए किसी इलाके में चिट्ठी लिखे। अगर लिखी गई है तो ये नौबत इस कदर है कि जो लगातार आप बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में भारी गोलाबारी पाकिस्तान करके यहाँ सिविलियंस को निशाना बना रहा था, भारतीय इलाकों को निशाना बनाकर आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा था, उसके बाद हुआ है। और ये इलाके जो पड़ते हैं तत्तापानी, कियानी और लीपा वैली का इलाका पड़ता है, कुपवाड़ा से लेकर राजौरी तक LOC जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बीच में LOC है, वहां पर पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से लगातार गोलीबारी कर रहा था, सीजफायर वायलेशन कर रहा था और सिविलियन इलाकों को निशाना बना रहा था, जिसमें कई सिविलियंस मारे गए। इसी के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, कई पाकिस्तान की चौकियां तबाह की गई हैं, कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई जो है वो जख्मी हैं। उन्हीं के इलाज के लिए चिट्ठी लिखी गई है कि उन्हें वहां पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदारी दी गई है आतंकियों की घुसपैठ करवाने की और सैकड़ों की तादाद में आतंकी LOC के पार इस ताक में है कि वो घुसपैठ करके यहाँ आए, और इसी वजह से सीजफायर वायलेशन भी किया जाता है कवर फायर देने के लिए। मगर भारतीय सेना की जो कार्रवाई है उसमें भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा
पड़ा है और इसकी इसी कारण जो है पाकिस्तानी सेना के जो जनरल हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि उन्हें मदद दी जाए, मेडिकल हेल्प मिले, वहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए ताकि जो लगातार जवाबी कार्रवाई में उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है उससे कम से कम मरहम पट्टी तो वो कर सके। मरहम पट्टी करने के लिए, करवाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी भीख मांग रही है। एक बार पूरी स्क्रीन पर इस चिट्ठी को एक बार फिर से दिखाइए ना। ये चिट्ठी पाकिस्तान के लिए आईना है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल मेडिकल फैसिलिटी। और ये कहा गया है कि यानी इलाके में, टट्टापानी इलाके में जो भारत की फौज है पाकिस्तान की फौज को मारा है, कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा हुई है, पाकिस्तानी आर्मी जो है फायरिंग रेंज में है, फायरिंग जोन में रहते हुए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो फिर ये एक भीख मांगी गई है कि किसी भी तरीके से हमें मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए। कर्नल शिरदान के पास में चलते हैं। कर्नल शिरदान, चूंकि आप तो बहुत, आपने बहुत दुनिया देखी है, आपने LOC देखा है, आपने LAC देखा है, तो कौन सी कहावत है थोड़ा याद कराइएगा मुझे, घर में नहीं दाने, कौन सी कहावत है ये, घर में नहीं दाने? कर्नल शिरदान आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ, घर में नहीं है दाने। हाँ, और अम्मा चली भुनाने। हाँ, अम्मा चली भुनाने, ये है सही वाला। इस चिट्ठी को लेकर के मैंने सही बात बोली या नहीं, सही मुहावरा याद दिलाया नहीं या नहीं? सही कहा है, यदि आज पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है तो वो केवल इसलिए है कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि ये देश हमारा है। हमेशा भारत के साथ अपना कन्फ्रंटेशन रखा, जो पैसा पाकिस्तान विकास पर खर्च होना चाहिए था वो पैसा उसने इस तरह की फौजी कार्रवाई में वेस्ट किया। और वो पाकिस्तान हमेशा दुनिया के सैनिकों संधियों के बीच में पड़ करके हमेशा दुनिया भर के झगड़ों को अपने ऊपर ओढ़ता रहा। अभी आपको याद होगा अफगानिस्तान का झगड़ा पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ा और उसके बाद में उसकी क्या हालत हुई है कि आज पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बन गया है, केवल इसलिए कि वो अमेरिका के हाथों में खेल गया। मेजर मोहम्मद अली शाह, एक फिल्मी डायलॉग है ना, बड़े एक लेजेंडरी से एक्टर हुआ करते थे, अब इस दुनिया में नहीं है, उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था ना, वो क्या था कि हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, जगह भी हम तय करेंगे, वक्त भी हम ही मुकर्रर करेंगे और हम तुम्हें मारेंगे जरूर। और क्या भारत की फौज ने ये बता दिया, ये चिट्ठी ये बता रही है कि भारत की फौज ने ये कह दिया है, बालाकोट भी करेंगे, चकोटी भी करेंगे, मुजफ्फराबाद भी करेंगे, कियानी भी करेंगे, POK पर कब्जा तो हम जमा करके रहेंगे, POK वापस लेकर के रहेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान भी हम अपना बना करके रहेंगे, और अगर बहुत ज्यादा तुम जद में आने की कोशिश करोगे तो इस्लामाबाद तक भी चले जाएंगे। पूरी फिल्म से ये हाल है कि फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये हकीकत में कर्नल साहब इत्तेफाक रखेंगे, हम लोग हकीकत में फौज में ये बोलते हैं। हम अपने जवानों से पूछते हैं सुबह सुबह को, हाउ द जोश, वो कहते हैं हाय सर, जरूर। उसके बाद हम, और ये बात हकीकत की बात है कि इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं करी थी, बट वी विल वेरी वेल फिनिश इट, ये पूरी में भी बोला गया है। तो मतलब अभी टाइम हमारी टॉप हो चुकी है जी, डिप्लोमेटिक टॉप हीरो की है, अब रास्ता केवल एक ही है, मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। अब जब मिलिट्री मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हिंदुस्तान को ये भी बोलना चाहिए कि हम भी तो एक न्यूक्लियर पावर है। इंडियन आर्मी ने कभी भी जंग शुरू नहीं की लेकिन खत्म हम ही करेंगे। प्रीति सोमपुरा के पास में चलते हैं। प्रीति, ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी के एक एक शब्द बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। क्या चिट्ठी में पाकिस्तान का डर है? क्या चिट्ठी में पाकिस्तान का कापना है? क्या चिट्ठी में पाकिस्तान की लाचारी है, मजबूरी है, बेजारी है? क्या चिट्ठी में पाकिस्तान का सरेंडर है? क्या ये चिट्ठी 1971 जैसे 90,000 सैनिकों के सरेंडर की यादें ताजा करती हैं? प्रीति, देखिए 6 अक्टूबर की जो है चिट्ठी है जिसमें साफ तौर पे जो है रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स जो है पाकिस्तान आर्मी का, वहां से ये जो है लेटर जारी किया गया, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है
कि जो है आर्मी की जो जितने भी अस्पताल है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कैजुअलिटी बढ़ रही है इसको ध्यान में रखते हुए जो चिट्ठी में लिखा गया है कि कश्मीर जो पाकिस्तान की स्थाई का जो कश्मीर है वहां पर कि जो अस्पताल है उसमें से 15% बेड जो है वो रिजर्व रखा जाए, आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व रखने की बात की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बौखला गया है, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है उसके कारण जो है पाकिस्तान को डर लगने लगा है। और इसी के कारण ये लेटर में लिखा गया है कि जितनी भी स्थानीय अस्पताल जो बॉर्डर के नजदीक है वहाँ 50% जगह जो है आर्मी के जवानों के लिए रिजर्व रखने की बात की। जी प्रीति जी, जी जी आपके ऑडियो में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है प्रीति, दोबारा भी हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रीति, लेकिन फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। मेजर मोहम्मद अली शाह, कर्नल शिवदान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ बने रहने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है इस चिट्ठी के जरिए पाकिस्तान भी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इतने ज्यादा मर रहे हैं, भारत की फौज पाकिस्तान की फौज को इतना मार रही है कि उनके लिए अस्पताल भी कम पड़ जा रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान जो कभी चीन के साथ में मिल जाता है, वो चीन जो LAC से लेकर के LOC तक भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके समझ में ही आ जाना चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी ऐसी है कि जहां पर चीन भी घिरेगा पाकिस्तान भी मरेगा। और कहीं पर भी ये समझ लेना चाहिए, युद्ध भले ही तय कर दिया जाए लेकिन चीन की पराजय निश्चित है, क्योंकि पाकिस्तान में भय है। और आपको तो याद होगा कि पाकिस्तान में भय इतना है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट अगर पाकिस्तान की सरहद के आसपास से निकल भी जाते हैं ना, तो पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान की राजधानी में ब्लैकआउट भी कर दिया जाता है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। और ये तस्वीरें इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि 2 महीने में 6 बड़ी मिसाइल का हमने परीक्षण किया है, पृथ्वी 2, शौर्य, स्मार्ट, ब्रह्मोस, रुद्रम। ये